हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका पंकज एसके पब्लिकेशन चैनल में। जैसा कि मैं आपके पास नंबर सिस्टम में अब कुछ एक फ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूँ। फ्रैक्शन अभी लेटेस्ट जो संविदा की जॉब वैकेंसी जो आई है उसके लिए भी थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी फ्रैक्शन जिसको और नहीं आता वो चीजें मैं भी आपको बता देता हूँ, ध्यान देना क्या मैं और फ्रैक्शन करना क्या है। इसमें देखोगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन इसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है ये आपको पता है, x बटा y की फॉर्म में, x y y की फॉर्म। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब इसको बोलते हैं अंश और ये होता है हर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है। और एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या क्या है ये देखना। अगर मैं ले लूं 2/3, ठीक है, 2/3, और एक में ले लूं मैं 5/3, ये ले लूंगा। अब ये उचित भिन्न कैसे है, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, इसमें जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जिस फ्रैक्शन में, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें बड़ा है अंश हर से वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे और प्रॉपर करके लिखते हैं कि मैं एक बार डिवाइड करूंगा, 3 से 1 बार चला जाएगा, बचेगा क्या, रिमाइंडर 2/3, ठीक है, ऐसे करके लिखते थे, 1 सही 2/3। तो इसको फिर से अगर मैं इसी फॉर्म में लेना चाहता हूं तो इनके बीच में प्लस लगा देता हूं, फिर इससे इनटू करूंगा और इनको प्लस कर दूंगा, फिर से 5/3 आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 सही 2/3 के बीच में कितना साइन होता है, संविदा में जो टीचर्स का आप एग्जाम देते हो यूपी टेट वेट, तो वहां पे इसमें क्या होता है, इसमें यही पूछ लेते हैं इनके बीच में साइन क्या होता है, इनके बीच में साइन होता है प्लस का। अगर इनटू का साइन होगा तो 2/3 ही होगा आंसर, फिर थोड़ी ये होगा, तो प्लस का साइन होता है, याद रखना। अब फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, फ्रैक्शन क्या सॉल्व होते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखना हमें करना क्या है। यहां पे देखोगे बेटा अब हमें करना क्या है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे मान लो आपके पास है यहां पे 10 - 1/2, अगर मैं मुझे इसमें से 10 में से 1/2 घटाना है तो मैं जल्दी जल्दी में प्रॉपर, आप घटा लोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन मैं आपको एक जल्दी मेथड बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, इस 10 में से 9 में यहां ले लेता हूं और 1 में से 1/2 घटा देता हूं, ठीक है। अगर किसी को ये भी घटाना नहीं आता, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये आना चाहिए, अगर किसी को ये भी घटाना नहीं आता तो क्या करना है, ये वाली चीज इसमें से घटा दो, ऊपर लिख दो, ठीक है, तो क्या होगा, 1/2, मतलब 1 में से आधा गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आधा बचेगा, तो वो इसके साथ ऐसे लिख दो, प्लस का बचा ऐसे, तो 9.5 आपका, 9 सही 1/2 आपका आंसर होगा, ठीक है, ये घटाएंगे तो। अब मैं और 2-3 फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 10 है और 10 में से मैं 3/7 घटाने को बोलता हूँ, तो 10 में से मैं 9 अलग ले लूंगा, क्या ले लूंगा, 9 अलग ले लूंगा, 1 में से 3/7 घटाऊंगा, इसको यहाँ पे इंटू करूंगा, 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4/7, ठीक है। जैसे ही अपन को ये घटाते, 1 में से कोई भी भिन्न घटाना है तो एक बात याद रखना, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से घटा दो, वही ऊपर रख दो, अगर 1 में से घटाना है तो, सीधी सी बात है, ठीक है, ऐसे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 सही 4/7, ये क्या हो जाएगा, 9 सही 4/7, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। कुछ फ्रैक्शन में और लेता हूँ, फ्रैक्शन को मैं आज आपको ऐसा फ्रैक्शन बता दूंगा, इसमें फ्रैक्शन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपको मैं बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रैक्शन बताऊंगा, फ्रैक्शन को एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़े बड़े फ्रैक्शन हमें करना क्या है, भिन्न को हमें कैसे करना है, ये मैं सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूँ। पहले तो हमें सब्ट्रैक्शन एडिशन ही समझना है, क्योंकि वही थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे 24 में से मैं 12 सही 1/2 घटाऊंगा, ठीक है, 12.5 घटाऊंगा, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, आप पहले इस 24 में से एक निकाल दो, पहले तो एक निकाल दो, 23 बचेगा, ठीक है, एक निकाल दो,
और फिर मैं 12 घटा देता हूँ, और जो एक निकाला है उसमें से ये आधा घटा दो, ठीक है। भिन्न को घटाने के लिए, भिन्न को घटाने या जोड़ने के लिए उसके लिए एक अलग से हटा देते हैं, बाकी इसको जोड़ घटा देते हैं। इसको घटाऊंगा मैं, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 11, क्या आ जाएगा 11, और इसको घटाऊंगा आधा बचेगा, ठीक है। एक में से 1/2 घटाऊंगा, 1/2, तो इसको ऐसे लिख दूंगा 11 सही 1/2। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैं दो चार चीजें और ले रहा हूँ, जैसे मान लो अब मैं 100 है, 100 में से मैं 33 सही 1/2 घटाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे से इसमें से एक बाहर ले लो, 33 सही 1/3 मैं घटा रहा हूँ, तो इसमें से एक बाहर ले लो, बचेगा क्या 99, 99 में से ये 33 घटा दो, जो बाहर लिया उसमें से ये 1/3 घटा दो, तो ये 33 में से ये घटाओगे कितना बचेगा 66, और इसमें से बताओगे 2/3 बचेगा, ये 2/3, तो इसको मैंने ये लिख लिया, तो 66 सही 2/3 बचेगा जब 100 में से मैं 33 सही 2/3 घटाऊंगा तो, ठीक है। और आपको और चीजें बता देता हूं, अगर मान लो जैसे आपके पास है फ्रैक्शन, अगर मान लो आपके पास है ये और आपको इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, इसको 444 को 333 को, फिर ये 777 हो जाएंगे, बाकी इनको अलग से जोड़ लो 1/4, इनको अलग से जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लूंगा 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। और इसका इसमें भाग दूंगा बचेगा 2, इधर ऊपर गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें भाग दूंगा बचेगा एक बार जाएगा और एक का ऊपर गुणा कर लूंगा कितना हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, तो 777 से ही 3/4 आपका आंसर होगा, कितना होगा 777 सही 3/4 आपका आंसर होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे देखना कि अगर मान लो मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, मान लो कि अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर 2/5 होगा प्लस 3/5 होगा, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं 4/5 कर लेता हूँ, इनको जोड़ता हूँ, तो मैं सीधे सीधे क्या कर लेता हूँ, इनको सीधे ऊपर वाले नंबर को जोड़ लो 6/5, ठीक है। जब नीचे समान है तो ऊपर वाले नंबर को जोड़ लो, यही आपका आंसर होता है। अगर मैं बोलूं आपसे 1/3, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूं कि ये है 1/3, ये 1/3 है, तो सीधे ऊपर ऊपर वाले को जोड़ लो, ये तो बराबर है, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मान लो इसको जोड़ना है मुझे, ठीक है, 3/7, ठीक है, और फिर यहाँ पे 4/21 इसको जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे इधर 21 बना लूँ, जब ये बराबर हो जाएगी तो ऊपर वाले सीधे जोड़ दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ 3 का इंटू करता हूँ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 21 हो गया 9, तो 9/21 ये हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया 4/21, तो अब जोड़ोगे जोड़ लूंगा 13/21 आपका आंसर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो कि अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता था, ठीक है, एलसीएम लेना नहीं आता, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर मुझे ये दोनों जोड़ने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे 2 4 और बना लेता हूँ, तो मैं सीधे जोड़ लूँ, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो हो जाएगा भैया 2/4 और यहाँ पे 4, अब दोनों जोड़ दो सीधे 3/4 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख दूंगा 777 सही 3/4, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा मैं फ्रैक्शन ले रहा हूँ, फ्रैक्शन ही आपको जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं आपको ये देता हूँ 1000, 1000 में से मुझे घटाना है 1/3, ठीक है, 1000 में से 1/3 घटाना, तो मैं क्या कहता हूँ इसको 999 अलग ले लेता हूँ, एक में से 1/3 घटाता हूँ, 2/3 बचेंगे, तो 2/3 लगा देंगे, तो बचेगा कितना 999 सही 2/3। अगर मैं देता हूँ 444 1/15 प्लस 13 1/6 सॉरी 3 माइनस 11 1/5 ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको जोड़ता हूँ, इसको घटा देता हूँ अलग से, ठीक है, अलग से जल्दी करने के लिए 44 प्लस 13 माइनस 11 मैं ये करता हूँ, तो ये बचेगा कितना 2 6 40 हो जाएगा 40, बाकी इनको अलग से घटा देता हूँ, इनको अलग से घटा लूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे देखोगे आप, इसको मैं क्या करूंगा, ये 1/15 प्लस 1/3 माइनस 1/5 ये हो जाएगा 15, 15 से ये डिवाइड करूंगा, ठीक है,
एक बार जाएगा ऊपर इनटू कर लेते हैं। ये एलसीएम होता है बेटा, एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो वह छोटी से संख्या जो इन सब से कट रही हो, तो 15 ही होगी वो। तो 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, इसको भाग दूंगा, एक बार जाएगा इसको इससे भाग दूंगा, 5 बार जाएगा ऊपर 5 का इंटू कर लूंगा, इसको इससे भाग दूंगा 3 बार जाएगा ऊपर इंटू कर लूंगा 3। तो 5 और 1 6, 6 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3/15, तो ये 1/5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 46। सही, 1/5 आपका आंसर होगा। 46 सही, 1/5 आपका आंसर होगा। मैं दो तीन चीजें और ले रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर मान लो मैं इकट्ठा यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन, कि आप देखोगे मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पे कि 12 + 11 + 23 आप जोड़ लो, ठीक है। मैं इसमें ये जोड़ूंगा तो यहां पे ये हो जाएगा 34। 34 और 12 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 34 और 12 हो जाएंगे 46। तो 46 मैंने ऐसे रख लिया, ठीक है। 1/2 + 1/3 + 1/6 रख लूंगा, ये 40 हो गए जोड़ के। पहले इन सबको जोड़ लो, जोड़ने का साइन है तो जोड़ना है, माइनस का साइन लगा लो बीच में तो माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/6 मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम 6 3 बार गया, ये 2 बार गया ऊपर इंटू कर लिया, ठीक है, 2 बार गया और ये 1 बार गया। तो ये कितना हो जाएगा, 6/6 कितना हो जाएगा, 6/6, 6/6 होगा तो आएगा 1। अब 1 बचा है ना, तो वो 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 47 कितना हो जाएगा, 47। क्यों, क्योंकि अगर कोई फ्रैक्शन बचता, कोई भी भिन्न बचता तो उसे ऐसे करके लिख देते सही सही का, जैसे 40 सही इतना, तो इसको 46/46 मिक्स्ड इतना लिख देते, तो वो मिक्स्ड है मतलब इसी में जुड़ा होगा, तो उसको जोड़ देते 47 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं और भी अच्छे अच्छे भिन्न ले रहा हूँ, देखना। अरे दोस्तों, तो अब आप देखोगे इसको सॉल्व करना है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 35 और 9 को जोड़ लेता हूँ, जिनके बीच में माइनस का साइन है अलग कर लेता हूँ। तो 35 + 9 - 23 - 16, ठीक है, ये हो जाएंगे 44 - 39 कितने बचेंगे, 5। आपके पास क्या बचा, 5। अब मैं इनको ले लेता हूँ सीधे फ्रैक्शन को, 2/3 - 1/2 - 3/4 + 5/6 ये ले लो। या तो आप एलसीएम कर लो, एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो फिर 12 12 बना लो। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों को अलग अलग सॉल्व कर ले, सीधे सीधे एलसीएम ले लो। एक तो एलसीएम क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट रही है, तो सबसे कटेगी वो संख्या क्या होगी, 12, जो सबसे कट रही है, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, सबसे। इसमें इसका भाग दूंगा 3 का 12 में, 4 बार जाएगा, 4 का इससे गुणा करूंगा 8, ठीक है। इसका इसमें भाग दूंगा 6 बार जाएगा, 6 का इससे गुणा करूंगा 6, इसका इसमें भाग दूंगा 3 बार जाएगा, 3 का इससे गुणा करूंगा 9, इसका इसमें भाग दूंगा 2 बार जाएगा, 2 का उससे गुणा कर दूंगा 10, ठीक है। ये क्या 18 18, और ये 9 और 6 15, माइनस के 15 प्लस के 18 है, ठीक है। तो 18 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे, 3/12, और इसको मैं काट दूंगा 1/4 से, ठीक है। तो कितना होगा, 5 सही, 1/4 आपका आंसर होगा। कितना होगा, 5 सही, 1/4 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी को एलसीएम नहीं आता, एलसीएम मेथड नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ध्यान देना कि बिना एलसीएम से कैसे करेंगे। देखो, अगर किसी बच्चे को एलसीएम भी नहीं आता तो हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले देखूंगा यहाँ पे, मैं 6 वाला इसको इसके साथ ले लूंगा, क्योंकि इसको मैं 6 बना सकता हूँ ऊपर नीचे गुणा करके, इसको मैं 4 बना सकता हूँ ऊपर नीचे गुणा करके, तो मैं उसको ले लूंगा। ये 2/3 प्लस प्लस का 5/6 माइनस 1/2 माइनस 3/4 मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसमें मैंने क्या किया, 4 बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 4/6 + 5/6 माइनस ये 2/4 - 3/4 मैंने ये कर लिया। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9/6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/6, ये 9/6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपना, इसको अब जोड़ दो सीधा सीधा, तो माइनस माइनस से जुड़ जाएगा कितना, 5/6,
अब मैं यहाँ पे इसका या तो एलसीएम ले लो, फिर इनको भी बराबर बना लो, इसको मैं और काट सकता हूँ, इसको तीन और दो में काट सकता हूँ, तो तीन और दो में कट जाएगा, तीन त्रिके नौ, तीन दूनी छह, पांच बटा चार, तो इसको अब इक्वल बना लूंगा, दो बटा दो ये कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, छह बटा चार माइनस पांच बटा चार, तो सीधे अब घटा सकता हूँ ऊपर वाले, क्योंकि अगर नीचे वाले समान है तो सीधे ऊपर वालों में जो साइन है वो कर दो, प्लस का है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, तो एक बटा चार हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आ जाएगा, तो पांच सही एक बटा चार आपका आंसर होगा, या तो इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, एलसीएम नहीं आता तो इस तरीके से कर लो, ठीक है, दोनों तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको कॉपी करते जाना, जितने भी संविदा वाले हैं वो इस चीज को अच्छे से कर लेना, यूपी टेट टेट वाले, क्योंकि फ्रैक्शन ही आपके में एक चैप्टर है, फ्रैक्शन अलग से वो बहुत ज्यादा आता है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चन है 46:2/9, 14 सही 5 बटा 3, 21 सही 4 बटा 9, ध्यान देना, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोला यहाँ पे, अब मेरे से बोला है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले देखना 46, इन दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस के प्लस के हो जाएंगे, 14 और 21 कितने हो गए यहाँ पे, ये हो जाएंगे 35, 35 46 में से जाएगा, 35 अगर 40 में से जाएगा तो बचेंगे मेरे 11, ये 40 में से 35 घटाऊंगा तो मेरे क्या बचेंगे 11, ठीक है, हमने क्या किया 46 माइनस 14 माइनस 21 किया, ठीक है, कितना आ गया 11 आ गया। अब मैं 2/9 माइनस 5/3 और 4/9, तो पहले जिनके भी अपॉन में 9 है उनको पहले सॉल्व कर लो, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मैं सीधे ऊपर वाले घटा दूं तो ऊपर वाले घटाऊंगा तो चार में से दो जाएंगे, माइनस के दो बचेंगे क्योंकि कितना है माइनस का है, तो माइनस के 5/3 और माइनस का 2/9 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ, ऐसी संख्या का कि 9 बन जाए, तो 3 का ऊपर नीचे कर लो, एलसीएम ले लो, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया मैंने, तो ये कितना बन गया यहाँ पे 5 × 3 = 15/9, ये कितना बन गया 15/9 और ये हो गया 2/9, ये हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे ऊपर से मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 17/9, कितना हो जाएगा 17/9, ठीक है 17/9, ये हो गया मेरे पास 17/9। या तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, फिर मैं ये मेथड बता दूंगा, ठीक है, पहले मैं एलसीएम लेके मेथड बता देता हूँ। तो एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा, क्योंकि तो सारी संख्या ऐसी छोटी से छोटी 9 ही संख्या, जैसे अब इसको इसमें भाग दूंगा, ऊपर गुणा करूंगा, एक बार जाएगा एक से गुणा करूंगा 2 आएगा, इसको इसमें भाग दूंगा, तीन बार जाएगा तीन से ऊपर गुणा करूंगा 15, इसको इसमें भाग दूंगा, एक बार जाएगा ऊपर 4। मैंने यहाँ माइनस के ये माइनस के कितने हो गए, ये माइनस के 19 में से 2 जाएंगे, प्लस का 2 है ना, तो कितना बचेगा 17/9, लेकिन माइनस का। अब मैं इसमें भाग दूंगा तो पहले तो एक एक अलग से आएगा, एक सही कितना 8/9, एक सही 8/9, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का। तो अब मैं इसके साथ अगर लगाऊंगा ये माइनस एक सही 8/9, तो पहले तो एक घटाओ इसमें से, पहले एक घटा, पहले तो एक इसको अलग दे दो, एक इसको अलग दे दो, 10 में से एक घटा दो और एक इसको जो दिया है उस एक में से 8/9 घटा दो, ठीक है, उसे एक में से 8/9 घटा दो, इसमें से घटाएंगे तो 9 बचेगा और इसमें से मैं ये घटाऊंगा 8/9 एक में से, तो 1/9 बचेगा, तो 9 सही 1/9 आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 9 सही 1/9 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखोगे यहाँ पे ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखोगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही तरीका है कि अगर स्टार्टिंग जो ए मिक्स करके जो लिखा हुआ है, मिक्स करके ये लिखा हुआ 12, 15, 8 और 6, इन सबको जोड़ूंगा क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन है, तो 12 + 15 + 8 + 6 = 14, 14 और ये जुड़ेंगे 26, 26 में मैं 15 जोड़ूंगा तो 41 हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा 41, भाई ये दोनों को जोड़ूंगा 8 × 6 = 14, 14 को इसमें जोड़ूंगा तो 26, 26 में 15 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 41, 41 अलग है, 3/8 मेरे पास अलग है, 1/4 अलग है, ये अलग है, 2/3 अलग है।
आप देखोगे इसमें एक ऐसी संख्या कौन सी जो सबसे विभाजित हो रही है, वो है 24। आप देखोगे 24, क्योंकि 8 3 24, 8 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। इसको मैं इससे भाग दूंगा, 8 को 24 से भाग दूंगा, 8 3 24, 3 का ऊपर गुणा करूंगा 9। इसको इससे भाग दूंगा, 4 6 24, 6 का ऊपर गुणा करूंगा 6। इसको इससे भाग दूंगा, 12 बार जाएगा और ऊपर गुणा करूंगा 12 का 12, ठीक है। इसको इससे भाग दूंगा, 3 8 24, 8 का ऊपर गुणा करूंगा 16। आप देखोगे 12 और 16 मेरे कितने हो गए यहाँ पे, 28। 28 और 6 कितने हो गए, 28 और 6 34, 34 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 34 और 9 आपके हो जाएंगे 43। 34 और 9 कितने हो गए, 43। अब 43/24, तो पहले तो एक बार भाग चला जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा तो बचेंगे कितने, अगर एक बार भाग चला गया तो इसमें बचेंगे कितने, इसमें बचेंगे यहाँ पे 19, हमें कितने बचेंगे 19/24। एक जो बचा है, लेकिन अब प्लस का साइन है, प्लस का ही बचा है ना, माइनस का बचा होता तो इसमें से घटा देते, लेकिन प्लस का ही बचा है, तो 41 सही। ये है 41 सही, 41 प्लस करेंगे 19/24, क्या करेंगे 19/24। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 42 सही 19/24 आपका आंसर होगा, कितना होगा 42 सही 19/24, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर प्लस का बचता है तो प्लस का वहीं लिख देते हैं, जोड़ के, और जोड़ के लिखना मतलब वही होता है मिक्स फ्रैक्शन लिखना, ठीक है। तो आपको आ रहा होगा, आई होप आपको नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करें, फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखोगे जैसे मैं कुछ बड़े बड़े फ्रैक्शन और ले रहा हूँ, बड़े बड़े फ्रैक्शन को किस तरीके से करेंगे यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लो 99:1/15 प्लस 111:1/3 माइनस 444 माइनस 1/5, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका। देखो अब आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें ऐड करूंगा, इसको इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं, पहले इसको इसमें से 444 में से 111 को घटा दो। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 333, फिर माइनस का आएगा और फिर माइनस का 333 सीधे इसमें से घटाओ, 333 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 666 बचेगा, ये कितना बचेगा 666। अब 666 अलग से बचा है और भी 1/15 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सीधे एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम आएगा, छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट रही है 15 ही कटेगी, तो 15 को इससे भागूंगा एक बार का, एक का ऊपर इंटू करूंगा, इसको इससे भागूंगा 5 बार का, 5 का ऊपर इंटू करूंगा, इसका इससे भागूंगा 3 बार का, 3 का ऊपर इंटू करूंगा, ये 5 और एक 6, 6 में से 3 का 3 बचेगा 3/5, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/15 होगा, 1/5 हो गया, तो 666 सही 1/5 आपका आंसर होगा, कितना होगा 666 सही 1/5 आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, मैं 2-4 फ्रैक्शन और ले रहा हूँ और अच्छे अच्छे करते हैं फ्रैक्शन, फिर मैं लेस देन ग्रेटर देन बताऊंगा इस फ्रैक्शन में, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जैसे मान लो 3, मैं यहाँ पे इसमें से क्या करूंगा माइनस ये, अब मैं ये कटा रहा हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये सॉल्व कर लेना है, इसको मैं बाद में कटाऊंगा, ये पहले सॉल्व कर लेना। तो ये मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा 44, और यहाँ पे इनको अलग से जोड़ूंगा 1/3 + 1/9, मैं प्लस करूंगा क्योंकि मैं माइनस को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, बीच में प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, मैं इसको 9 एलसीएम आएगा, 3 बार जाएगा ऊपर, 3 ये एक बार जाएगा ऐसे, तो 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ गया, ये कितना आ गया 4/9। अब मैं ये घटा सकता हूँ इसमें से, आराम से क्या घटा सकता हूँ ये, तो आप क्या करना है इसमें से एक इधर दे देना, क्यों, मुझे भिन्न घटाने के लिए, क्योंकि घटा रहे हैं पूरा भिन्न इसमें से, तो एक इधर दे दूंगा 4/9 में, एक में से 4/9 घटा दूंगा और बाकी 999 में से 44 घटा दूंगा, तो 999 में से 44 जाएंगे और एक में से 4/9 जाएगा, तो ये कितना 5/9 आ जाएगा, और ये अगर मैं घटाऊंगा इसको तो ये कितना आ जाएगा 955 और ये कितना आएगा 5/9
तो 955 सही, 5/9 आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीजें, ये फ्रैक्शन इतना समझ आया होगा। मैं अब आपके लिए लेस देन ग्रेटर देन फ्रैक्शन लेके आ रहा हूँ, और बेटा हम आपके लिए सारी चीजें देने वाले हैं, आपको एक एक फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रैक्शन आज मैं ऐसा आपके लिए दूंगा, आपके लिए आग लगा देंगे अपन, ठीक है, उस तरीके की चीजें मैं आपको दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे, अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या है लेस देन और ग्रेटर देन फ्रैक्शन क्या होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे छोटा भिन्न ये क्या होते हैं, किस तरीके से करते हैं, ध्यान देना किस तरीके से करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, मैं सारे केस बताता हूँ, इसमें बहुत सारे केस होते हैं। अगर कोई भिन्न है, जैसे मान लो मैं इसको बोलता हूँ 3/7 और ये 5/11, तो बोलता हूँ इसमें से कौन सा बड़ा भिन्न होगा, कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो कुछ आपको बताया गया, मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगा इसमें कि बड़े बड़े भिन्न भी होंगे तो आप उसे विद इन अ सेकंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस बाकी और टीचर बताते हैं वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो चीजें बड़े फ्रैक्शन के लिए काम नहीं आती। मान लो 303 डिजिट का फ्रैक्शन आ गया तो उसमें कितना ये केस लगाओगे, तो केस क्या होते हैं पहले तो मैं वो बता देता हूँ, पहले आपको पूरे ग्रेटर देन लेस देन पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद में वेरिएशन करूंगा। क्या होगा, इसका इसमें इंटू किया और इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू करेंगे यहाँ लिखेंगे 33, इसका इसमें इंटू करेंगे 35, यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं 5/11 बड़ा है किससे, 3/7 से, ठीक है, सीधे बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज क्या छोटी संख्याओं के लिए काफी है, तो मैं बता देता हूँ पहले आपके में, जो भी बच्चा अगर संविदा की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहा है, जैसे टेट की आप तैयारी कर रहे, तो उसमें इतना ज्यादा डीप नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको वो चीजें दूंगा, आपको बहुत डीप पढ़ाने वाला हूँ इसमें फ्रैक्शन में। तो अब आप लेस देन ग्रेटर देन कैसे करोगे, मान लो अगर आपके पास आया ये 2/5, 3/5, ठीक है, 4/5, 6/5, 9/5, ठीक है, ये आ गया आपके लिए। अब ध्यान देना, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं वो ध्यान देना, यदि दिए गए भिन्नों के इफ द ऑल डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल, ठीक है, यदि दिए गए भिन्नों के सभी हर आपस में बराबर हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा ये, और सबसे छोटा कौन सा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटा, ठीक है। अगर हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो सबसे बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2/5, ठीक है, समझ आ रहा नहीं, फिर उससे बड़ी 3/5, फिर उससे बड़ी 4/5, फिर उससे बड़ी 6/5, फिर उससे बड़ी 9/5, ठीक है। अगर घटते क्रम में लिखना है, अगर घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी, ठीक है, फिर यहाँ पे घटते क्रम में घटता होता जाएगा, बड़ी से ये छोटी छोटी चलते जाएंगे, तो सीधा सीधा आपको बता, बढ़ते क्रम में अभी मैंने लिखा है छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब मैं आपको दूसरा फ्रैक्शन देता हूँ, और मान लो कि और फ्रैक्शन, अब हम क्या करेंगे, ये जैसे मैंने आपको किया, यहाँ पे देखोगे कि अगर मान लो मैंने लिया 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/9, 5/11, आप देखोगे यहाँ पे ये दूसरा केस है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ऑल गिवन फ्रैक्शन आर इक्वल्स, बोला है यदि दिए गए भिन्नों के सभी अंश आपस में बराबर हैं, तो ध्यान देना जिसके साथ ज्यादा वजन लटका है वो छोटा होगा, भाई किसी के साथ अगर वजन लटका दो ज्यादा तो वो छोटे ही होता है, ठीक है, तो ये सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा वो क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका डिनोमिनेटर कम वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, ये बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो बड़ा भिन्न होगा। और हम इसको आरोही क्रम में कैसे लिख सकते हैं, आरोही अवरोही क्रम में आप लिख सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो, मैं असेंडिंग ऑर्डर बढ़ा बता रहा हूँ, बढ़ते क्रम में, 5/11 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा होगा 5/9, उससे बड़ा होगा ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 5/9, फिर उससे बड़ा 5/6, फिर उससे बड़ा 5/4, फिर उससे बड़ा 5/3, फिर उससे बड़ा 5/2, ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते क्रम में हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे,
अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, जैसे मान लो ये 4/5 है, 5/6 है, 6/7, 7 से 8, 8 से 9, ये फ्रैक्शन है, ये दिए गए भिन्न है। यदि दिए गए भिन्नों में अगर दिए गए भिन्नों में अंश हर आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अंश हर का अंतर आपस में अगर बराबर है, इनका डिफरेंस इक्वल है, इनका डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो ध्यान देना जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। मतलब या तो फिर ये बोलो कि जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, ठीक है, या जो भिन्न बड़ा होगा वो सबसे बड़ा। तो देखो सबसे बड़ा भिन्न ये है तो ये बड़ा है, सबसे छोटा भिन्न ये है तो ये छोटा है, ठीक है, बड़ा भिन्न ये है तो ये बड़ा बड़ा भिन्न है तो बड़ा है, छोटा भिन्न है तो छोटा है। तो जो बड़े भिन्न होंगे वो बड़े होंगे, तो सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, ठीक, उससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हो कि दिए गए भिन्नों में यदि अंश और हर का अंतर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देख लेते हैं, वन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे अंश और हर के अंतर अगर बराबर है तो जो भिन्न बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, जो भिन्न छोटा होगा, जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, जो फ्रैक्शन छोटा होगा वो सबसे छोटा, ये होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट, और ये लार्जेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। मैं अब आपको 2-3 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, ध्यान देना। हेलो दोस्तों, तो अब आपके पास ये फ्रैक्शन है, अब ये तीसरा केस है हमारा, जो लास्ट केस है, ये जो केस है वो लास्ट केस है, वो क्या है, देखो इन दोनों का अंतर देखोगे आप, अगर मैं इसका अंतर निकालता तो मुझे मिलेगा 7, इसका अंतर देखता हूँ तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा मुझे, इसका अंतर कितना मिलेगा, मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 9 में ये 13 में से 4 गए 9, ठीक है। अंश और हर का अंतर देखना, डिफरेंस देखना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 19 बचेगा बेटा, 19 अगर मैं जोड़ूंगा तो यही चीज आएगी, ठीक है, 19। इसका अंतर क्या होगा, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, यहाँ पे इन दोनों का अंतर होगा 2। अब आप देख रहे हो अंश और हर भी अलग अलग है, सारे दिए गए भिन्नों के, और इनके अंश और हर का अंतर हर भिन्न में अलग अलग है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जिस भिन्न में जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखना, जिस भिन्न में अंश और हर का अंतर कम होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें अंश और हर का अंतर कम है तो ये बड़ा भिन्न है, और जिसमें अंश और हर का अंतर सबसे ज्यादा है वह सबसे छोटा भिन्न है, बात खत्म, वह सबसे छोटा भिन्न है। समझ आ रहा है कि नहीं, तो सबसे छोटा भिन्न, हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना था सबसे छोटा भिन्न, तो आपका आंसर क्या है, ये 14/33 है, 14/33 है बेटा, तो 14/33 आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, तीसरा केस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब भिन्न में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, और अगर मान लो बड़े भिन्न आ जाते हैं तो उसको भी मैं सॉल्व करना बता दूंगा, तो पहले मैं छोटे छोटे और भिन्न लेता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैं अब एक नए टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें क्वेश्चन में क्या है बोला है, यहाँ पे 3/5 और 4/7 और 5/2/5, ये डिफरेंस देखूंगा, ये 2 का अंतर है, इसमें देखूंगा 3 का अंतर है, इसमें देखूंगा 3 का अंतर है। अब यहाँ पे फंस गए भाई, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो फ्रैक्शन में डिफरेंस सेम है, एक में अलग है, अब इसमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, और इसमें क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे इसमें हमें क्या करना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसमें अंश और हर का अंतर, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो वो छोटा फ्रैक्शन होता है। तो छोटे की रेंज में 2 आ गए, ये इसमें कम है डिफरेंस तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा हो गया 1/3। अब छोटे की रेंज में 2 आ गए, 4/7 और 2/5। अब इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो कैसे पता करेंगे, ये छोटे की रेंज में आ गए तो मैंने आपको बताया था इसका इससे इंटू करेंगे क्या होगा 20, ठीक है, इसका इससे इंटू करेंगे, ठीक है, ये क्या आ गया 14/14 इसके नीचे। अब आप देखोगे 20 में से क्या, 20 और 14 में से 20 बड़ा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये इसके नीचे आ रहा है तो, और ये छोटा है, तो बड़ा कौन सा होगा, 4/7 इससे, 2/5 से।
ठीक है, ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ। क्योंकि अगर इस टाइप के आ जाते हैं चीजें, आपको टीचर बता देते सीधे एक दो फ्रैक्शन अलग वाले बता देंगे, डिफरेंस अलग आने, लेकिन ये चीज नहीं बताते। ठीक है, ये चीज इसलिए नहीं बताते क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस आ जाए तो बच्चा फिर कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होगा तो दिक्कत होगी। अब दो फ्रैक्शन में कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसे ही तीन फ्रैक्शन में कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा बताऊंगा कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस भी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर निकलेगा वो क्या होगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देना वो कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे छोटा कौन सा ये है, उससे बड़ा कौन सा ये है, और सबसे बड़ा कौन सा ये, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, घटता क्रम हो गया। बढ़ता क्रम अगर हम बताएंगे तो दो बटा पांच, फिर इससे बड़ा कौन सा है दो बटा पांच से, ठीक है ये है चार बटा सात, फिर इससे बड़ा कौन सा है एक बटा तीन, तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या कहलाता है यहाँ पे, इसका असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम ये है आपका। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, मान लो कि ये फ्रैक्शन है, अब इसमें मान लो बड़े फ्रैक्शन अगर आ जाते हैं, कि अगर इस टाइप के फ्रैक्शन आ जाए तो हम कैसे देखेंगे। इसमें तो चलो आपने मल्टीप्लाई कर दिया और किसी में डिफरेंस सेम है, अगर मान लो ये आ गया, ठीक है अगर इस तरीके का आ गया 101 और 27 इस तरीके का, अब कहां तक डिफरेंस करोगे, कहां तक इनटू करोगे, कौन सा बड़ा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान देना, आप एक बात सुनना कि यहां पे एक बटा दो है, ठीक है एक बटा दो को अगर मैं इनटू करूंगा 100 से, तो ये परसेंट में चेंज होगा। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को 100 से इंटू करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाता है, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 50%। अगर मैं क्या करता हूँ इसमें 3 का इंटू करता हूँ इसके अंश में, तो ये क्या बन जाता है 3/2, क्या बन जाता है 3/2। इसमें 100 का इंटू करता हूँ तो इसको काटता हूँ ये 50 बन गया, तो इसका इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 150%। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 50% में से 150% बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो आपने देखा कि 1/2 से क्या बड़ा है 3/2, आपने देखा कि अंश बढ़ने पर भिन्न का मान बढ़ता है, कोई भी अगर अंश बढ़ता है तो भिन्न का मान बढ़ता है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप एक चीज याद रखना कि अगर जैसे न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आप ध्यान देना, अगर बोलता है कि न्यूमरेटर कम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, मतलब न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। आप देखोगे जैसे 1/2 है, इसकी परसेंटेज क्या है, ये परसेंट बनाऊंगा तो 50% के बराबर है 1/2। अब 1/2 में क्या करता हूँ मैं 3 का इंटू कर देता, डिनोमिनेटर में 3 का इंटू करता हूँ तो 1/6 हो जाता है। इसमें मैं 100 का इंटू करूंगा तो इसको काटूंगा, ये कितना है 16/2/3%, ठीक है। तो आप देखो 50% से 16/2/3% बन गया, मतलब 1/2 क्या है 1/6 से छोटा है, मतलब 1/6 क्या है 1/2 से छोटा है, ठीक है ये बड़ा है। तो आपने देखा कि अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ा रहा हूँ, वो डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं हर को बढ़ा रहा हूँ तो भिन्न का मान कम हो रहा है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है। अगर मैं अंश को बढ़ा रहा हूँ तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम अंश को, इसको न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है अगर मैं न्यूमरेटर को इंक्रीज करता हूँ तो न्यूमरेटर को इंक्रीज करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो क्या होता है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है फ्रैक्शन बड़ा होता है, भिन्न बड़ा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, फ्रैक्शन क्या हो जाता है छोटा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना, अब आपको किसी भी डिफरेंस की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइन में आप आंसर निकालोगे, क्या निकालोगे, जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो वैसे ही निकाल दोगे, कोई बड़े का इंटू नहीं करना। जैसे आप देखोगे 102 237, 101 247 है, 101 237, 103 257, ठीक है मैंने ये देख लिया 253 मैंने कर लिया। आप देखना यहाँ पे बेटा कि अब मैं बोलूँ कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है सबसे बड़ा कौन सा है। आपने देखा यहाँ पे इस टाइप के फ्रैक्शन में कैसे हम पता करेंगे कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। आप देखो न्यूमरेटर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, एक का, यहाँ पे कितने का हुआ, एक का। आप देखो वो डिनोमिनेटर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 का, यहाँ पे देखोगे ये कितने का, 6 का। आपने देखा कि न्यूमरेटर तो एक एक बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर कम बढ़ रहा है, ठीक है अंश कम बढ़ रहा है, लेकिन हर क्या बढ़ रहा है, हर ज्यादा बढ़ रहा है।
जिस फ्रैक्शन में हर ज्यादा बढ़ेगा, जिसमें हर की वैल्यू ज्यादा होगी, वो फ्रैक्शन कम होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये छोटा होगा, ठीक है। उस सबसे बड़ा क्या होगा? जिसका हर छोटा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि फ्रैक्शन का, भिन्न का दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको लिए थे, ग्रेटर देन लेस देन। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ फ्रैक्शन में, कॉन्सेप्ट वो बताने जा रहा हूँ जिसमें एक दो चीजें ऐसी होंगी। जैसे मान लो अगर आपका डिफरेंस दो में सेम आ रहा है, एक में अलग आ रहा है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, आप देखोगे यहाँ पे 3/5, ठीक है। ये एक तो ये 3/5 है, ठीक है, और 3/5 में कितने का डिफरेंस है? आप देखो 2 का डिफरेंस, इधर कितना 2 का डिफरेंस, इधर भी 2 का डिफरेंस। तो मैंने बोला था जिसमें 2 का, जिसमें डिफरेंस सेम है, ठीक है, जिस फ्रैक्शन में डिफरेंस सेम है, उस फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो आप देख सकते हो इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? 7/9 होगा। फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे 3/3, मतलब उससे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे छोटा। अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है छोटा फ्रैक्शन, छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो छोटा होगा 3/5, और सबसे बड़ा कौन सा होगा? 11/9, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, कोई भाग देने की प्रक्रिया नहीं है, कोई भी हमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि डिवाइड करना है, एक ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये, सीधे हमें डिफरेंस देखना। तो मैं बता रहा हूँ अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्या है, डिफरेंस अगर सेम है, यहाँ पर डिफरेंस सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा, बात खत्म, ठीक है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें आगे जाना नहीं है। तो अब ऐसा मैं कॉन्सेप्ट आपको लेके आ रहा हूँ कि कुछ चीजों में एक सेम बनेगा, जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम बताएंगे उसमें क्या चीज सेम बनेगी, क्या अलग चीज होगी, क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो केस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और जो केस मैं आपको बताऊंगा, ये केस कम से कम एसएससी ने 3-4 बार रिपीट किया है, और अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन इसी के रिपीटेशन के हैं, जो अदर एग्जाम के मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको 3 केस बताए, सबसे पहले क्या बताया था, जिसके न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, उसमें जिसका अंश बड़ा होगा, जिसके न्यूमरेटर मतलब अंश अगर बराबर हैं, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा, जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। जिसमें अंश और हर कोई बराबर नहीं, जिसमें उसमें अंश और हर का डिफरेंस अगर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ फ्रैक्शन में अब नए टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे। वो नए टाइप का क्वेश्चन क्या है, बोलेगा यहाँ पे कि 4/5 और यहाँ पे ये 6/7, बोलेगा इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में, इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है, निम्न में से कौन सी भिन्न आएगी। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए, बोलेगा इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में कौन सी भिन्न आएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है। तो इसका कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पे क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को जोड़ना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा, 4 6 10 और 5 और 7 12, तो इसको मैं काटूंगा 5/6, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 5/6 भिन्न, क्या आएगा इन दोनों के बीच में, 5/6 भिन्न। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि 5/6 आ गई, ये क्या है, 5/6 भिन्न आ गई, अगर मैं कोई भी ऐसा भिन्न लेता हूँ जिनके बोले जाए कि जिनके बीच में दो भिन्न बताइए, इनके बीच में दो भिन्न बताइए, तो वो दो भिन्न कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है, वो दो भिन्न क्या होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये 8/14 है, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे 8/11 में ले लेता हूँ, 8/11 है, मैं कहता हूँ ये जो भिन्न है ये कौन सी दो भिन्नों के बीच के भिन्न है, अगर मैं ये बोल दूं, तो इसमें उल्टा भी आता है, ये कौन सी दो भिन्नों के बीच का भिन्न है। आपने देखा कि 8 से पहले क्या आता है, 8 से पहले आप देखोगे यहाँ पे 8 से पहले आएगा यहाँ पे 7/11, और 8 के बाद क्या आता है यहाँ पे, तो 8 के बाद आप देखोगे 8 के बाद आता है यहाँ 9/11 के बीच के भिन्न। तो इस तरीके से अगर बीच का भिन्न दिया है, अगल बगल के भिन्न पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, अगल बगल के दिए तो कोई भी भिन्न निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको
तीन बटा ग्यारह और मैं बोलूं आपसे चार बटा तेरह, इन दोनों के बीच में कौन सा भिन्न आ सकता है? तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं यहाँ पे तीन और चार सात, और इन दोनों को जोड़ूंगा यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा यहाँ चौबीस, कितना आ जाएगा चौबीस, इसको जोड़ूंगा तो चौबीस, तो इन दोनों के बीच में कौन सा भिन्न आएगा सात बटा चौबीस, ठीक है। तो मैं आपको सारे भिन्न दे चुका हूँ, इसमें अब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बचा हुआ है, आप आराम से इजीली फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसके भिन्न के सारे क्वेश्चन, और संविदा वालों के लिए भी और प्रॉफिटेबल चीज है, आप इसको देखोगे आपको एक एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैं इसमें कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन और लेने वाला हूँ, सतत भिन्न का एक कॉन्सेप्ट और आएगा, ठीक है। उसके बाद ये फ्रैक्शन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको दिक्कत पड़े, ठीक है, आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं सतत भिन्न के लिए आपके लिए लाऊंगा एक नया टॉपिक, और है वो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन के क्वेश्चन विद इन अ सेकंड करेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में मैं आपको वही चीजें दूंगा, ठीक है, तक के लिए बाय। अब इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, आप मेरी ये वीडियो पूरी देखना फ्रैक्शन की, और नंबर सिस्टम में पूरा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरे नंबर सिस्टम के मेरे पार्ट दे सकते हो, यूनिट डिविजिबिलिटी, इसमें भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट।